कांग्रेस के ऊपर क्या करना है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ही एक ही भाषण को बार बार दे रहे हैं, मुझे समझा नहीं जो क्या वो थक गए हैं या क्या हो गया, क्योंकि हम तो मोदी जी की ऑरेटरी, जो उनको भाषण देने का जो टैलेंट है, हम बहुत बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन आज मेरे ख्याल में वो बिल्कुल बिलो फॉर्म रहा। ये जैसे कि हम लोग सब कह रहे थे कि हमारे ज़्यादा शायद अपेक्षा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही भाषण दे चुके हैं, नामदार कामदार कितने बार बोलेंगे, नेहरू जी का देहांत होके 60 साल हो गया फिर भी उसी गीत गाते रहेंगे, ये क्या हो गया मोदी जी को? मेरे ख्याल में वो ज़रा सा और कुछ फ्रेश ऊर्जा की ज़रूरत है, क्योंकि आज के भाषण बहुत विफल रहा। ये भी पहले सुन चुके हैं आप, इसमें कोई भी नए लाइन सुने? मतलब जो भी उन्होंने कहा ये तो कई बार बोल चुके हैं, और ये जो परिवारवाद के बारे में सब लोग सुन चुके हैं, थक भी गए हैं सुन के, कुछ नए तो दिखाई, देश के लिए आपकी आखिरी भाषण है लोकसभा में, इस पूरे पार्लियामेंट में कुछ नए दिखाना चाहिए था देश को मेरे ख्याल में। हाँ, तो वही एक ही नई चीज थी कि वो 370-400 मेरे ख्याल में, अगर वो ज्योतिष नहीं है, मेरे ख्याल में वो पुरोहित नहीं है, और वो जाके प्राण प्रतिष्ठा किया ज्योतिष नहीं है, प्रेडिक्शन भी देने लगे, मेरे ख्याल में ये तो नहीं होने वाला है, लेकिन अंत में तो जनता ही तय करेंगे। अब मेरे ख्याल में जनता उनको इस किस्म के रिजल्ट नहीं देने वाले हैं, और मेरे ख्याल में मोदी जी के भाषण में ही हमें अच्छा लगा कि उनकी मूड जरा सा डाउन हो गए हैं।